अस्सलामुअलैकुम पाए दोते असा चढ़ गए हैं केंदे पाए गांदा मंदा सब कोई पता कहने ई ज्यादा ना है पाए सिरी पाए जिथा आज असा गए खड़े हैं सिरी असा हेठ छोड़ा है क्योंकि ओहे हेठ जा असा जड़े वेले हेठ वेसू ता उठा वन के देखसू सिरी को के सिरी के जी जा है पे फिलहाल असा पाए आए खड़े हैं इथा माशाल्लाह देखो फोटोग्राफी सारिया दी शुरू थई पिए ई ज्यादा ओते मेरे को थोड़ी जी शिकायत है कि जड़े वेले असा इथा आखिरी दफ़ा घूमन आया से पहाड़ की चोटी दो ते सारी ग्रीनरी है पई सारी हरियाली है पई ते जड़ी तो कोई जमीन नज़र आती पी ना जमीन का उत ना निशान कोई ना है सारी इतनी खूबसूरत इतनी हसीन जा है वो एजी जा है जड़ा तक घा दिसदा पै ना ते जमीन का उत कलर भी नज़र नहीं आता ते इतना हसीन मौसम होता इतनी सोहनी जा होंगी हूँ असा काफ़ी सारा साल के बाद गए हैं ते उत्थां जो है ना ये टेंट नुमा छोटे छोटे होटल छोटे छोटे हट होटल कॉफ़ी दे कोल्ड ड्रिंक दे ये वो इना जमीन को खुदाई करके ना ये चीज़ बड़ा छोड़ी है ना बिल्कुल थोड़ा बहुत कमर्शियल कर छोड़े ना एक जेरी नेचुरल ग्रीनरी है ना वो काफ़ी हद तक इन्हा लोगों ख़राब कर छोड़ी है मज़ा नहीं आया मौसम तो बहुत चंगा ही बहुत ज़्यादा हसीन है बहरहाल असा उथा पाए घूम के चंगी तरह दे उते घंटा गुजार के कॉफ़ी वगैरह पी के झूले वूले झूल के तुसा डिठे के उथा दू झूले लगे खड़े हैं जेड़ी ये सारे वास्ते नवी चीज़ है ते ओ झूले जो है ना आसमान दे नाल गाली खड़े कर रहे हैं ये मेरे शहजादे को देखो घोड़े की सवारी इंदी तैयार थी गई है हूँ वेंदा पाए घोड़े दोते मेरे शहजादे बच्चे तो ई तो जड़ी जा दोते गए ई घोड़े की सवारी की खूब इंजॉय किया ई घोड़ियों को अच्छा बहरहाल जो है ना ये मैं तक दिखें दी पी हाँ सिरी सिरी है हेठ सको पाए देखने वास्ते उत्ते वजना पौदा है वह पहाड़ की चोटी के उत्ते बहरहाल असा पाए देख के हूँ हेठ आए खड़े से सिरी को देखने वास्ते इंदी एक हिस्ट्री है वह तक जो है ना गूगल पर वन के मिल सी कि ई जा को सिरी क्यों आ दिन तो ऊँ जा को पाए क्यों आ दिन मैं तक इतनी जी वीडियो के दसा सकती वह तक अपना आप देखना पोसी ये मेरा शहजादा आ गए घोड़े की सवारी करके अरे सुनो बच्चा अरे अल्लाह ये किसके पीछे पीछे घूम रहा है ओए डर रहा है आ चु दे सिर बनाओ कितना छूना बच्चा आ जाओ मोशन लगा मैं बेचारे को नहीं प्यारा जाओ जाओ मम्मा के पास छूना बच्चा ओए मम्मा के पास कैसे भागता हुआ जा रहा ये तो तुसा घोड़े का बच्चा डिठा है इतना क्यूट है मेरे को अपनी बिल्ली की याद आवन पै गई उत्थां भेड़ा के नाल बकरिया के नाल छोटे छोटे बच्चे वधेर आते हैं घोड़े के नाल देख के ना मेरे को अपनी मैगी की याद आवन पै वी है अच्छा जी ये मेरे को समझ नहीं आती घोड़ी उनकी माँ बेचारी वो तो भजदी वधी है वो तो उन्होंने कमाई करके देती पी लोग उत्ते बांधते हैं उनकी सवारी करें ये मासूम माँ के नाल जो है ना फजूल भजदा वधा है माँ के नाल नाल जो है ना थकदा वधा है लेकिन बहरहाल माँ के नाल खुश वधा है निहाल वधा है ये देखो जी फिल्मी सीन में तक दिखेंदी पी हाँ ये है मेरी भतरीजी एक बहुत ज़्यादा घोड़े दौते बहुण का शौक है एक घोड़े की सवारी करा का शौक है तो वह वेंदी पी है हूँ मैं तक दूर ही चू दिखेंदी हाँ बिल्कुल फिल्मी सीन लगता पाए जोड़ा घोड़ा हूँ उत्ते वेंदा पाए ना पहाड़ों के उत्ते चढ़ के ये जी सिरी सिरी की लेख है पी छोटी जी तो झील बड़ी हुई है तो बड़ा पुरसकून माहौल ठंडा माहौल सर्दी तो उं है तुसा देखो ये मेरी भतरी जी वेंदी पी है घोड़े की सवारी करें दे वे पहाड़ों के उत्ते इवें नहीं लगता पी है जिमें पाकिस्तानी फिल्मों की शूटिंग के दौरान ये वाले सीन दिखेंदे हैं गानियां दे विच ते ये सीन बिल्कुल उवें लगता पाए अच्छा जड़े वेले असा उत्ते वेंदे पाए असे ना पाए की तरफ ते ते उत्थां जो है ना ई जा दे उते ना सिरी दे उते फिल्म कई फिल्म दी शूटिंग भी थी दी पी बहरहाल जरे असा आए हैं तो वो लोग उत्थां शोगरान पहुँच गए ये तो तुसा बालां दा माशाल्लाह शोर शराबा देख सकते वे उन्हां दी खुशी दी इंतहा तुसा देख सकते वे हुण असा रवा दवा थाए वेंदे हैं शोगरा शोगरा मजीद ही कन उत्तू उत्ते नहीं मेरे ख्याल हेठ हाँ हेठ है पई हुण असा हेठ लथे वेंदे हैं शोगरा सा को देखना है हूँ असा जड़े वेले उत्थां जो है ना पाए दो ते चढ़े खड़े आसे ना ते शोगरा सा को हेठ दिसदा खड़ा है वह हेठ आले पहाड़ ते ए है शोगरा दा नज़ारा
पहले भी अस जा दो घूम चुके हैं। इतना देखो घोड़े की सवारी वाला शुरू थी गई तो इतना जो है ना मैं हूँ करेंदी हाँ इतना जी छरियाली बंदूक है ना इन थोड़ी जी मैं निशानाबाजी करेंदी हाँ क्योंकि जडन भी अस आते हैं ना ये हरकत जरूर करें इन्ह चीज़ों को अस जरूर इंजॉय करेंगे हैं। अच्छा इतना 20 रुपए का एक छरा है मैं 5 छरे यूज़ किए तो इन मतलब है 100 रुपए के जो है ना 5 छरे मैं इन्हों को लैन ये देखो ये निशान है तो साढ़े दे पाए वे वह बेचारे अपनी रोजी रोटी वास्ते गुब्बारे फुला के ते छरे देने छोटा जहा कारोबार खोली बैठन ताकि उन्होंने घर का भी जो है ना सिस्टम चले पिया। इन वास्ते अस उतना वन के एक एक चीज़ को इंजॉय किया कहीं भी चीज़ को अस इग्नोर नहीं किया कि बेचारे सारा दिन मेहनत करें दिन तो चलो साड़ी वजह न अल्लाह उन्होंने जो है ना एक वसीला बनाया हुआ इतना हूँ जो है निशानेबाजी शुरू थी गई है। बहुत खूबसूरत कलर दे उन्होंने गुब्बारे लाए हुए हैं ये देखो तेरे सामने तो हूँ मेरे इतना जो है ना निशानेबाजी शुरू थी गई है। निशाने की तो मैं पक्की हाँ इन वास्ते तो मैं आई हाँ सारे डेदे बैठन सारे इंजॉय करेंदे बैठन सारे घर आले कोई खांदा पाए कोई पींदा पाए कोई घूमदा वधाए कोई फोटोग्राफरी करेंदा वधाए जो कुछ समझ आती है। मौसम का तो मैं तक क्या ही हाल सुनावा तुस मैं स्वेटर पाती खड़ी हाँ तुसा देख सकते वे कि उत्थ मौसम के जाओ सी यकीन ठंडा मौसम उसी हूँ रिजा खान की वारी है वह भी निशानेबाजी करें पी है हूँ उनकी वारी वह भी खुश निहाल थी खड़ी है। इतना मेरे बच्चे का दिल आखन लग गया कि मैं जो है ना लच्छे खासा वो आदमी को आदा पे कि मैं एक ले रहा हूँ मैं कह जान दो ले लो वो बेचारा कब से सुबह से बैठा हुआ है दो चार उसने बचाए हुए वो भी बेचारा घर जाए टाइम पे हूँ जी इतना लच्छा कवेंदे पान इतना बाल छोला चाट खाते बैठे मेरे भणेजे भणेजियाँ सारे मिल के जो है ना बस बाल तो जिथा वेंदन वो तो निहाल थी वेंदन उन्हों को तो कोई समझ नहीं आती कहें का मुँह किनते होंगे कहें का मुँह किनते होंगे ये शुगरान ये मैं तक घूम फिर वाला एरिया दिखेंदी पई हाँ तो इन जी पिछली साइड है ना उत्था सारे होटल खाव दे रिहायशी होटल सारे तो तक अगर खावना पीवना हो तो पिछली साइड से वेसो ई जा दो आके घूम सो फिर सो खेड सो इंजॉय करे सो रिलैक्स करे सो अपने दिमाग को फ्रेश करे सो ए ओ वाली जाए था छोटी मोटी गेम्स हैं तो बहुत चंगा मौसम है पिया तो सारी हरियाली है भाई इतना आके लोग रिलैक्स करेंगे तो इन जी पिछली साइड है उत्था लोग जो है ना खाण पीण वास्ते वेंदन जो उत्थ रिहायश होंगी है बस इतना टुरदे टुरदे ई साइड दो आ वेंदन असा हूँ वापस वेंदे पे अज मैं तकू डू कनू त्रै जे दिखा दिखी घूम फिर गिदे से वाला अगले व्लॉग भी तकू बहु कुछ देखने को मिलसी इतना शोर शराबे के नाल वाला अस लथे वेंदे हैं पहाड़ा के हेठ तो भाई खाइया ही खाइया है कोई सहारा कोई नहीं कोई रस्ता कोई नहीं जो गाड़िया है ना बस पहाड़ा दो इवें ढांदिया पौदिया वजन अच्छा हूँ अस वेंदे पे हैं पिंडी साइड दो क्योंकि साड़ा नारायण वाला जरा टूअर है वह कंप्लीट थी गए अस हूँ हेठ लाते पे हेठ पहुँच चुके हैं तो सकू वजना है अज रात पिंडी पिंडी असा पहुँचना रस्ते दे सकू लग गए बुक तो हूँ अस इतना डिनर करने वास्ते आए खड़े हैं डिनर है लंच है जो भी है ये जो है ना काफ़ी दिन खड़ा है तो बहरहाल जो है ना नाश्ते के बाद का खाना है पिया हूँ ये खूबसूरत जहाँ सको होटल मिले रस्ते दे विच ए है इंदा मेन्यू कार्ड ते होटल भी बहुत सोहना है पिया इतना बाल गप्पा शप्पा लही बैठन असा बटर चिकन का ऑर्डर दिता है तो अस माशाला त्रै फैमिली हाँ से जो जो खावना है हर फैमिली अपनी मर्जी का ऑर्डर दिता है बस अस इंतजार करें दे बैठे हैं तो साड़ी खिड़की के बाहर जो तक नज़र आते पैन दरख्त ये देखो ये तक दरख्त नज़र आता पैना इंदे उत्ते खुबानियां लगिया खड़ियाँ असा हले खुबानियां डे दे खड़े तो उन्हों तेज़ बारिश शुरू थी गई पहाड़ के एक तरफ से धुप है ये देखो ये पिछली साइड के धुप है तो जड़ी साइड के उत्ते अस बैठे इतना शदीद बारिश शुरू थी गई ये देखो शायद तक नज़र भी आती पी उसी वीडियो के भी थोड़ी थोड़ी धुआंधार इतना जो है ना बारिश शुरू थी चुकी है हर कहीं बहु इंजॉय किया है क्योंकि एकदम मौसम चेंज थी वेंदा इतना तो बादल ही नहीं बढ़ते इतना तो हर वेले आसमान जो है ना ढका हुआ होता है पता ही नहीं लगता तो जो है ना अस बैठे होंगे ना बादल होंगे ना बादलों का शोर होंगे बो पता लगता है कि एकदम जो है ना बारिश शुरू थी गई है इतना वाला फोटोग्राफरी शुरू थी गई है सारिया के दिल दिल जो है ना गार्डन गार्डन थी गए खुशी कानू कि बारिश जो है ना वाला एकदम शुरू थी गई है ये तुसा देखो माशाल्लाह इतना हसीन मंजर है वो तुनू
ਉਵੇਂ ਅਸਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵਧਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵਤ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਡਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਟਰ ਚਿਕਨ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚੇਂਜ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਚਿਕਨ ਕੜਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬਟਰ ਘੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਘਰ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੀਮ ਵੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਮੱਖਣ ਗੱਤਾ ਵਾਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸਾਂ ਪਿੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਹੋਟਲ ਵੰਝ ਕੇ, ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਬਾਰਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੇ ਕਿ ਮੁਸਤਕਿਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ, ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਬਾਰਿਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਥੀਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਲਾਇਥਾ ਲੈਂਡ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸੀ ਅਸਾਂ ਪਹੁੰਚਵੇ ਸੂੰ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਾੜ ਕਨੋਂ ਹੇਠ ਲੱਥੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਵੀ ਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਵੋਡ ਸੁੱਕੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਲਾ ਇਹਦੀ ਗੋਲਾਈ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਾਉਂਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗਾਡੀ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੋਡ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪਿੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਵੀ ਦਿਖੇ ਸਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥਾ ਜਿੱਥਾ ਘੁੰਮ ਸੂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਵਾਲੀ ਨਾ ਉਤਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕੋ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੇ, ਜਿਤਨਾ ਮੈਂ ਦਸਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਿਤਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇਂਦੀ ਵੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਸੋ, ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੋ ਦੇਖ ਸੋ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ ਸੋ, ਉਂਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਹਸੀਨ ਜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਾਹ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਥੀਂਦੇ ਪਏ 11 to 12 ਦਾ ਟਾਈਮ, ਅਸਾਂ ਪਿੰਡੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰੂਮ, ਅਸਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੰਜ ਕੇ 3 ਰੂਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਟੇਬਲ ਸਾਡੇ ਰੂਮ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਥਾਂ ਜੀ ਫਜਰ ਫਜਰ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਥੀਂਦਾ ਪਏ। ਰਾਤ ਕੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਥੱਕਾ ਟੁੱਟਾ ਵਧਾ ਹੈ। ਬਸ ਜੀ ਅਸਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਥੀਂਦੇ ਬੈਠੇ ਥਾਏ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ ਥੀਂਦਾ ਪਏ। ਬਸ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਬਸ ਅਸਾਂ ਨਿਕਲ ਸੋ ਸਾਰਾ ਡੀ, ਅੱਜ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੂਮ, ਪਰਦੇ ਲੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ, ਏ ਸੀ ਲਗਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਡ ਹੈ ਪਿਆ ਡਬਲ ਬੈਡ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈਡ ਹੈ ਪਿਆ। ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਵੀ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੂਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੈਲਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਬੈਡੂ ਰੂਮ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਤਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਿਹਾਲ ਵਧੇ, ਤਿਆਰ ਥਾਏ ਵਧੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਥੀ ਗਏ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਬਾਜੀ ਅਤੇ ਭਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਮਰਾ, ਅਤੇ ਇੱਥਾਂ ਜੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਲਮਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਅਸਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਇੱਥਾਂ ਅਸਾਂ ਰਹਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਇੱਥਾਂ ਚੈੱਕਆਊਟ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਅਤੇ ਬਸ ਸਾਰਾ ਡੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵਲੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇ ਸਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।